हेलो दोस्त, वेलकम टू सॉल्यूशन विद मैजिक। मैं आपका मित्र हिमांशु कुमार। आज हम लोग एनडीटी का टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें यूएसपीबी आया है। तो हम लोग आज यूएसपीबी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या क्या कैसे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, क्या इसका आईएएस मेथड है और कैसे इसका हम लोग कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। तो आज हम लोग सारा डिस्कस इस पर करेंगे यूएसपीबी पे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग यूएसपीबी के बारे में जानते ही होंगे। यूएसपीबी हम लोग कॉन्क्रीट ये सब पर करते हैं, आरसी स्ट्रक्चर पे करते हैं। ठीक है, तो यूएसपीबी मतलब मींस अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी। ओके, मींस अल्ट्रा सोनिक पल्स वेलोसिटी मतलब ये स्कैनर टाइप का है। ठीक है, फिर से हम लोग स्कैन करके इसका कंक्रीट का, इसमें हम लोग कंक्रीट के बारे में जानते हैं कि कंक्रीट का हेमोजेनिटी कैसा है, हेमोजेनिटी के बारे में, एयर वाइड्स, क्रैक्स, इंटरनल फ्लो, सेग्रेशन, कंपैक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सब के बारे में हम लोग इससे जानते हैं। तो आप लोग को हम लिख देते हैं क्या क्या होता है, इससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्क्रीट आरसी स्ट्रक्चर का हेमोजेनिटी सेकेंड नंबर पे, एयर वाइड, थर्ड पे क्रैक्स, फोर्थ नंबर इंटरनल फ्लोर, फाइव नंबर हनीकॉम्बिंग, सिक्स सिग्रेशन, सेवन पे कॉम्पैक्शन, एट नंबर ड्यूरेबिलिटी। तो ये हम लोग यूएसपीबी टेस्ट करके ये सब चीज जान सकते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर में। आरसीसी ओके, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज के बारे में आज जानेंगे, कैसे कैसे हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। ये तो हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये चीज पता करने के लिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, इसका आईएएस कौन सा है, 516 पार्ट 5 सेक्शन 1। हम लोग इस टेस्ट मेथड से यूएसपीबी करते हैं। इसमें तीन तरह का टेस्ट मेथड दिया, एक है डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट, थर्ड सेमी डायरेक्ट। तीन मेथड से हम लोग इसको करते हैं। डायरेक्ट में आपका हो गया, जैसे सपोज हमारा ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, आपके लिए फिगर बना देते हैं। इसमें दो दो एक होता है, ठीक है, की होता है दो, एक होता है ट्रांसमीटर, और दूसरा क्या होता है रिसीवर। मतलब दो हम लोग क्रॉप लगाते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। तो इसमें क्या होता है, एक हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर है हम लोग का, तो इधर हम लोग एक तरफ ट्रांसमीटर लगाते हैं और दूसरी तरफ रिसीवर, ये कंक्रीट के सामने सामने लगाते हैं, जो होता है हम लोग का डायरेक्ट मेथड। ओके, और ये एक होता है इनडायरेक्ट, जैसे ये हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है तो एक इधर लगाएंगे ट्रांसमीटर और इधर इसी सर्फेस पे लगाएंगे रिसीवर फ्रंट साइड फ्रंट में। इस जैसे हमारा ये बोर्ड है तो ये सरफेस पे एक इधर लगाएं और एक इधर, ये हमारा इनडायरेक्ट हुआ और एक इधर, एक इसके इस साइड में अंदर में, ये होता है डायरेक्ट मेथड। और सेमी डायरेक्ट हो गया, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है, तो ये सरफेस पे है इस साइड में फ्रंट में और एक ये साइड में है,
ये हमारा हो गया सेमी डायरेक्ट, मतलब एक ये साइड में और एक ये इधर, ओके। तो ये सेमी डायरेक्ट में आता है। ये तीन मेथड से हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी क्लियर करते हैं इसको, आगे बढ़ाते हैं। एक हमारा है क्या डायरेक्ट, सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड, और थर्ड में सेमी, ठीक है। तो हम लोग तीन मेथड से इसका टेस्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट में जैसे आप लोग को बताए ना कि सरफेस के किधर और एक किधर लेना, तो इसका हम लोग टेस्ट करके क्या वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। ये आ गया। और जो हमारा ये जो यूएसपीवी का मशीन है वो रीडिंग किस में देगा, किलोमीटर पर सेकंड में, ओके। तो हम लोग इसको तीन मीटर से करते हैं, डायरेक्ट सेमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके लिए हम लोग को 150 mm मिनिमम लेंथ लेना पड़ेगा, इसके लिए 400 मिनिमम लेंथ लेना पड़ेगा, ऐसा करके हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल चलते हैं, हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, अभी हम लोग इसको कैलकुलेशन पे चलते हैं। फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम। तो इसमें क्या है, हम लोग का लेंथ कितना है 150, सपोज एक एग्जांपल लेंथ हमारा कितना है 150 mm, और जो हमारा ये टाइम आएगा, टाइम किससे आएगा, इसका इंस्ट्रूमेंट से आएगा। तो सपोज हमारे पास टाइम कुछ भी हो जैसे 100 आया, तो हम लोग क्या करेंगे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ हमारा कितना है 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 0 से 0 कट गया, 10 से 1.5 किलोमीटर पर सेकंड सेकंड, ये हमारा कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आया। तो हम लोग क्या सपोज जैसे हम लोग इसमें क्या आपका लेंथ पता है कितना लेंथ से लेना है, इसमें भी हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, बस थोड़ा सा लेंथ इसका हम लोग पता करेंगे सेमी डायरेक्ट का कैसे लेंथ लाना है। बाकी इसका ये दोनों का सेम है, हमारा जितना लेंथ है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपका निकल कर जो आएगा ये आपका डायरेक्ट आएगा। बाकी हम लोग सेमी डायरेक्ट में चलते हैं, सेमी डायरेक्ट मेथड, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, हम लोग एक किधर लगा रहे हैं, एक ये सरफेस पे लगा रहे हैं जो फ्रंट में है, ठीक है। सपोज हम लोग इस पॉइंट पे लगा फ्रंट पे, और एक ये साइड का सरफेस पे, ये हमारा ट्रांसमीटर हो गया, और ये हमारा रिसीवर हो गया। इसमें क्या हम लोग को इधर से एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग इधर से कितना लगा है 75 mm, इधर से भी हम लोग कितना लिए 75 mm। तो ये जो हमारा है सपोज ये ऐसा है, मतलब एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे लेते हैं ये पॉइंट का नाम ए बी ए सी, हम लोग का ए भी पता है, ए भी कितना हमारा है 75 mm, बी सी कितना है 75 mm, फाइंड आउट क्या करना है एसी क्वेश्चन एसी, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना एबी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम मेथड, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर,
plus BC square. Square. AC is equal to under root 70. AB square plus BC square. 75 square plus 75 square. Square. Under root. ये कितना हुआ? वन जीरो सिक्स एम एम. ये हमारा एसी निकल कर आ जाएगा. समझ रहे हैं? जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, ये इसके पॉइंट पे है, ट्रांसमीटर यहाँ है, रिसीवर यहाँ है. तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये लेंथ हम लोग 75 रखे थे और ये 75. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये लेंथ का फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगा कर सेमी डायरेक्ट मेथड से हमने हमारा कितना आया, लेंथ कितना आया 106 mm. सपोज टाइम कितना है हमारा, एंड सपोज 200 टाइम 150 है, 150 किलोमीटर पर सेकेंड. अभी क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम तो कितना होगा, 106 डिवाइडेड बाय 150 कितना है, 0.71 किलोमीटर पर सेकेंड. ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन है. तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट को इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं. बाकी कितना रिक्वायरमेंट है वो आपको हम बता देते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेट करके निकालें कितना हमारा वेलोसिटी आया. तो अभी इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो रिक्वायरमेंट के अंदर में है, सही है या नहीं. तो इसका रिक्वायरमेंट है एवं 4.40, ये सब आपका जो है किलोमीटर पर सेकंड में है. तो आपका अगर एवं 4.40 रहेगा तो ये आपका एक्सीलेंट में रहेगा. जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक्सीलेंट है. कंक्रीट का आपका जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट. और 3.75 टू 4.40 ये आपका गुड क्वालिटी, ये गुड में आएगा. जो आपका आर्चिटेक्चर स्ट्रक्चर है वो गुड है, उसका क्वालिटी. थर्ड नंबर 3.300 टू 3.375 ये आपका डाउटफुल में आएगा. और ये बिलो 3.00 ये पुअर क्वालिटी. तो ये चार रिक्वायरमेंट है, आपने जो जैसे कैलकुलेट किया उस हिसाब से आपका किस के अंदर में आता है वो पॉइंट, उस हिसाब से अपना अपना आरसी से स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं कि हमारा एक्सीलेंट है, गुड में है या डाउटफुल में है या पुअर में है. ओके ठीक है, बाकी आप इस पूरा वीडियो को देखिए.